ये हजरत आबिद मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 10वां उर्स था, 17वां उर्स शरीफ था। तो ये हजरत अजीज़ मियां साहब क़िबला क़दसुल अज़ीज़, जो हजरत क़ुतुब आलम शान आज़म साहब क़िबला के तीसरे जानशीन थे, उनके साहबजादे थे। आपके लाखों की तादाद में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मुरीदीन हैं, अकीदतमंद हैं, और इसी सिलसिले में आप तमाम हिंदुस्तान से आपके मुरीदीन आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से, राजस्थान से आए। तो ये आपका उर्स है, आपने बहुत खिदमत खल्क की है, आपके किरदार की, आपके अखलाक की तमाम लोग तारीफ़ करते हैं। आप सादा ज़िंदगी गुजारते थे, हमेशा आपने सादा ज़िंदगी गुजारी है, खिदमत खल्क करने की आपने तलकीन की है अपने मुरीदीन को और अपने जितनी औलाद हैं उनको। और आज देखिए उसी सिलसिले में हम लोग हैं, मैं उनका बेटा हूँ और हमारे सब भाई हैं जो सिलसिला है नियादिया की खिदमत कर रहे हैं बेलोस, और खिदमत खल्क करने का भी फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी दुआ है जो भी यहाँ हाज़रीन आएँ, जहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से आएँ, बाहर के जो लोग आपका पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश और मलेशिया वगैरह में जहाँ मुरीदीन हैं, वो आज कुल कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह जिस नियत से ये लोग आएँ, इनकी जायज़ मुरादें पूरी हों, हमारे मुल्क में अमन रहे, भाईचारा रहे, इत्तेफ़ाक़ रहे, इत्तेहाद रहे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और जो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मेरी दिली दुआ है कि वो कामयाब रहें और हमेशा अपने पीर से ऐसी मोहब्बत अकीदत करते रहें। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।